नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। खास खबर पर एक नज़र। जिले के रेती घाट नीलामी के पश्चात राजस्व विभाग ने अवैध रेती चोरी के विरुद्ध कमर कस ली है, जिसके चलते भंडारा तहसील कार्यालय द्वारा शुक्रवार की दोपहर कोतुरना में अवैध रूप से एकत्रित की गई रेती पर कार्रवाई की गई, जिसके करीब 200 ब्राज रेती जब्त किए जाने की जानकारी है। बता दें कि भंडारा जिले से बहने वाली वैनगंगा नदी के रेती की काफी मात्रा में मांग है, जिसके लिए रेती माफियाओं द्वारा अवैध रूप से रेती की एकत्रित कर अन्यत्र भेजे जाने का काम जोरों पर जारी था। विगत माह तक रेती घाटों की नीलामी न होने से ग्रामवासियों द्वारा यह कार्य किया जा रहा था, किंतु रेती घाटों की नीलामी होने के पश्चात तहसीलदार अक्षय कोया ने अपनी टीम की सहायता से ग्राम कोतुरना से सटे शासकीय भूमि पर एकत्रित रेती पर जब्ती की कार्रवाई की। इसमें करीब 200 ब्राज रेती जब्त कर ट्रकों की सहायता से तहसील कार्यालय लाई गई। यह कार्यवाही तहसीलदार अक्षय पोयाम के नेतृत्व में हर्ष चतुर अल्लेवार, प्रशांत राउत सतदेवे व उपराले ने पूर्ण की। इस कार्रवाई के पश्चात रेती माफियाओं में हड़कंप मच गया है। या ठिकाणी आमचे इथले तलाठी आणि मंडळाधिकारी यांनी यापूर्वी इथे पंचनामा केला होता। या ठिकाणी अंदाजे जेव्हा पंचनामा केला तेव्हा अंदाजे 100 ब्रास रेती साठा होता, परंतु आम्ही तात्काळ या ठिकाणी कारवाई केली तर ही कारवाई 100 ब्रासपेक्षा समोर 100 ब्रासची नसून ही 200 ब्रास माल या ठिकाणी या सरकारी जागेवर जमा केलेला आहे। सदर जागा ही माल कोणाचा आहे आणि काही लोकांच्या विरोधात गुन्हे वगैरे दाखल नाही? सध्या हा साठा कोणी केला आहे याची कल्पना आम्हाला नाही, तरी पण आम्ही हा साठा सर्व या ठिकाणाहून उचल करून आम्ही तहसील कार्यालयामध्ये जमा करत आहोत। आणखी काही कारवाया होतील का? हां, आम्ही ज्या ज्या ठिकाणी साठा तयार केलेला अवैध साठा ज्या ज्या ठिकाणी आहे त्या त्या ठिकाणी आम्ही आमच्या माननीय तहसीलदार साहेबांनी आम्हाला तशी आदेश दिलेले आहेत की ज्या ज्या ठिकाणी अवैध साठा आहे त्या ठिकाणी जाऊन तो माल जप्त करायचा आणि हे पुढील कारवाई या तऱ्हेनं या तालुक्यात यापुढे सुरू राहील।